हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना उसके बारे में बातें करने वाले हैं। हम लोग बीएड के तीनों कोर्सेज की बात करेंगे, यहाँ पे बीएड नर्सरी, बीएड स्पेशल और बीएड के बारे में बात करेंगे, चूँकि तीनों में ना डॉक्यूमेंट्स सेम है यार, ठीक है। और हम लोग कुछ डाउट्स भी आपके यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में भी, जैसे कि एक डाउट है कि इंटरव्यू के लिए क्या कोई कॉल करेंगे जामिया वाले, हम लोग को खुद से जाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले इश्यूज़ हैं। और फिर यार बहुत लोगों का इशू है कि आपके बैचलर डिग्री जो है ना, यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसकी मार्कशीट अभी नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हमने ना मास्टर्स डिग्री दे दिया था क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के टाइम, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। और फिर जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो आपका इंटरव्यू होगा या नहीं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जब लिस्ट आई थी, जब मैंने रिजल्ट के लिए वो बनाया था वीडियो, उसमें भी मैंने बताया था कि जो कैंडिडेट डेली एनसीआर से बाहर हैं, उनको मेल करना, कहाँ पर मेल करना, iasc@jmi.ac.in पे मेल करना है। 13 अक्टूबर से पहले आपको मेल करना है, आपको बताना है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे। दिल्ली एनसीआर से बाहर वाले कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन है कि आप इंटरव्यू को ऑनलाइन चूज कर रहे हो ऑफलाइन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेल करके बताना है। अब जो कैंडिडेट दिल्ली एनसीआर के हैं, यानी कि जो कैंडिडेट यहीं पे हैं दिल्ली एनसीआर में, उनका वह इंटरव्यू इन पर्सन होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू आपको देने हैं। बात आती है कि ऑनलाइन वाले जो लोग ऑनलाइन चूज करेंगे उनका क्या होगा, तो उनको यार ईमेल आएगा, कम्युनिकेट करेंगे जामिया वाले, उनको आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग ऑफलाइन चूज कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने सब्जेक्ट, अपने डेट या फिर जो भी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो डेट आपका दिया हुआ है, उस डेट में आप गेट नंबर 20 फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आप जाके पहुंच जाना, वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। गेट नंबर 20 में जाकर के आप कहीं भी पूछोगे ना, गार्ड को भी पूछोगे कि हमारा बीएड का इंटरव्यू है, तो वो आपको बता देंगे। तो यार ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे, ये तीनों के लिए, फिर मैं बता रहा हूँ बीएड स्पेशल के लिए, बीएड नर्सरी और बीएड के लिए। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है ना, ये डाउनलोडेड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ले जाने होते हैं। आपको पता है एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करते हैं, पोर्टल में लॉगिन करके करते हैं, वहीं पे जब आप लॉगिन करोगे ना, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलेगा, ये आपको ले जाने होंगे। दूसरी बात, अगर आपने मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी में हुआ है, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देने होंगे, ठीक है। तीसरी बात आपका यहाँ पे है कि जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो उनको यार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देने होंगे। ऑब्वियसली आपने अगर पीडब्ल्यूडी में अप्लाई किया था, आपको वहाँ पे अगर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप हाँ वाकई इस कैटेगरी से हो। अब यार नेक्स्ट बात है कि भाई कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, जो कैंडिडेट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से अप्लाई किए हैं, उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा। वो सर्टिफिकेट किसका बना हुआ चाहिए, रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फिफ्थ में बात करते हैं यार, जो यहाँ पे कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू कश्मीर कैटेगरी, अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी के लिए अप्लाई किए हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने होंगे, जिसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं। सिक्स में बात करें तो प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए, आपको टेंथ के मार्कशीट में, टेंथ के सर्टिफिकेट में आपको आपका एज लिखा होता है, वो आपको देना होता है एज ए एज प्रूफ। अगर उसमें नहीं है, किसी किसी स्टेट बोर्ड में होता है कि भाई उसमें नहीं है, तो आपको फिर बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर जिस डॉक्यूमेंट्स में, जिस सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेवन में बात करते हैं पासिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, आपको मार्कशीट देनी होगी, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया हुआ है, तो उसके लिए आपको मार्कशीट देनी होती है। अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, बात करेंगे जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करेंगे। एट में है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, इसके लिए आप वोटर आई कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर इन चीज़ों में कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो आधार कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास है, नहीं है तो आप अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम हो सकता है या फिर आपका भी नाम है, तो वो आप दे सकते हैं। नाइन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जो लोग भाई बैचलर डिग्री किए हुए हैं, जो लोग जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना होता है। जो लोग मास्टर्स डिग्री किए हुए हैं, तो आप वहाँ से, जहाँ से मास्टर्स डिग्री आपने किया, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, किसी के पास कुछ होंगे, किसी के पास कुछ भी नहीं होंगे, तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ लोग क्या सोचेंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, मेरा इंटरव्यू तो ले लिया इन लोगों ने, इंटरव्यू तो ले लिया, लेकिन ये लोग मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो आप गलतफहमी में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो आप बस इतना करना जो मैंने फर्स्ट नंबर में बताया, आप डाउनलोडेड एडमिट कार्ड ले लेना, मतलब आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, आप इजीली इंटरव्यू दे सकते हो।
ये दो चीज़ तो आप कर ही सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया, ये दो चीज़ आप कर लोगे तो आपका इजीली इंटरव्यू हो जाएगा। एडमिशन के टाइम आप चीज़ें दे देना, एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स दे देना, और अगर एडमिशन के टाइम भी कुछ कमी है तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे जब आपका एडमिशन होने लगेगा। अभी फिलहाल बात यह है कि ये सारी चीज़ें आप करें। और इंटरव्यू के लिए यार मैंने कहा था ना कि आपको मैं सीरीज ऑफ वीडियोज़ दूंगा, फिलहाल तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल में लास्ट ईयर, वो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक वीडियो मेरे ख्याल से आपको DLED का मिल जाएगा, ठीक है, DLED का, और दो वीडियोस BED के होंगे। तो आपको सारे वीडियोस देखने हैं, सेम चीज़ें होता है, लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स है तो सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, वही टीचर्स रहते हैं, वही प्रोफेसर्स आपके इंटरव्यूअर एज अ इंटरव्यूअर रहते हैं, तो आपको सेम चीज़ें होता है। वो आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो चीज़ें देख लेना। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर यार आपको मुझसे कोई बातें करनी है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी ID दिख रही होगी, IM_Shahara, आप वहाँ जाकर के मुझे चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू।